चीन की साजिश की एक और पोल खुलने वाली। दिल्ली एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक के मामले में पुलिस ने इंटरपोल के जरिए चीन से हैकर्स के बारे में जानकारी मांगी है। साथ ही चीन में इंटरनेट मुहैया कराने वाली कंपनी के बारे में भी जानकारी की डिमांड की गई है। पुलिस ने इसके लिए सीबीआई को लेटर लिखा है। तारीख पर तारीख देते हैं, क्या करें? हम लोग 2200 किलोमीटर से चल के आए हैं एम्स की तरफ। मेरा 45 डेज का बेबी है यहाँ, लास्ट 50 डेज से उसका क्रिटिकल कंडीशन है सर। एम्स में हैकिंग के पीछे चीन की साजिश। हैक सर्वर रिकवर, मरीज कैसे रिकवर? चीन की हर हरकत की खुलेगी पोल। हैकिंग केस में अब इंटरपोल भी शामिल। दिल्ली एम्स के सर्वर पर हुए साइबर अटैक में चीन का भी हाथ था। चीन की इस हरकत से कई दिन न केवल मरीजों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, बल्कि पुलिस और एम्स प्रशासन को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन अब चीन की साजिश का हर चेहरा बेनकाब होगा। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को लेटर लिखा है। एम्स साइबर हमले में दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल से जानकारी मांगी है। चीन और हांगकांग के हैकर्स की जानकारी मांगी गई है। उन आईपी एड्रेस की जानकारी मांगी गई है जिनसे हैकर्स के मेल भेजे गए। साथ ही लेटर में पूछा गया है कि आईपी एड्रेस किसको दिए गए, इनका इस्तेमाल कौन सी कंपनी कर रही है या फिर कोई पर्सनल इसमें शामिल है। दरअसल इंटरपोल से संपर्क करने के लिए नोडल एजेंसी सीबीआई ही है, इसीलिए इसकी मांग सीबीआई से की गई है। दिल्ली एम्स के सर्वर पर करीब 3 हफ्ते पहले साइबर अटैक हुआ था। हैकर्स ने एम्स के 5 सर्वर को हैक कर लिया था। हालांकि एम्स के आईटी एक्सपर्ट्स की टीम ने बाद में 5 सर्वर के डेटा को फिर से हासिल कर लिया, लेकिन हैक होने के दौरान कई अहम कामकाज मैनुअल मोड पर होने लगे थे। इससे एम्स कर्मियों के साथ साथ मरीजों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। साइबर अटैक ने एम्स के ऑनलाइन सिस्टम धराशायी कर दिए। मेरी मॉम कैंसर पेशेंट है, मैं राजस्थान से आया हूँ और सुबह 9 बजे से मैं खड़ा हूँ, तब जाके अभी भी एक ही रिपोर्ट मिली है। जो रिपोर्ट के टेस्ट रिपोर्ट जो 4 दिन में आती है वो अभी तक आई नहीं है। ना कोई बताने वाला, ना कोई किसी से कोई मदद करने वाला, बस या तो कोई धक्का खाकर घर चले जाता है, क्योंकि देख लेता जैसे होगी देखी जाएगी। हम परसों रोज आए हैं, जैसे इलाज हुआ है, इमरजेंसी भर्ती हुए, लेकिन अब जांच कितना तारीख को लिखा गया तो 4 जनवरी को। जैसे ही एम्स ऑफलाइन हुआ तो मरीजों को दूसरी समस्याएं शुरू हो गईं। कोई रिपोर्ट का इंतजार करता रहा तो कोई ओपीडी में जाने के लिए। मेरा दिमाग माइंड है जो है मस्त नस फट गया है सर, अभी तक ये रख रखे हैं ये इमरजेंसी में और आईसीयू वगैरह लगा रखे, अभी तक अंदर थिएटर में ले नहीं गए। सर्वर डाउन होने से मरीजों की हालत बहुत खराब चल रहा है और कोई रिस्पांस लेने वाला नहीं, नहीं देश, नहीं मतलब यहाँ की सरकार, नहीं यहाँ की मतलब कोई नहीं। मेरे लड़के का जो हाथ पैर जो है कप कप आ रहे हैं और लड़का मरने गुजारा है जी, और ये सुनाई नहीं दे रहे। एम्स में कैंसर से जूझ रहे मरीजों और उनके तीमारदार बेबस होते दिखाई दिए, लेकिन जी मीडिया ने मरीजों की हर परेशानी प्रशासन तक पहुंचाई। राजधानी दिल्ली में 23 नवंबर को एम्स हॉस्पिटल में एक साइबर अटैक होता है, वो रैंसमवेयर अटैक होता है, और उसके बाद से जो मरीजों को सुविधाएं मिल रही थी, एक तरीके से जो उनका इलाज होना था वो पटरी पर चलती हुई रेल गिर जाती है, और यानी कि उन मरीजों को समस्याओं का सामना रोजाना करना पड़ता है। वो अभी भी इस वक्त हालात ऐसे ही हैं। कहा गया कि वो जो सर्वर हमारे हैक हो गए थे उनको वापस ले लिया गया है, सब कुछ सही है, वापस से शुरू किया जा रहा है, लेकिन वो समस्याएं ग्राउंड पर ज्यों की त्यों बनी है और अभी भी उससे निकलकर बाहर आने में शायद समय लगने वाला है। बहरहाल
हैक सर्वर को रिकवर कर लिया गया। धीरे धीरे एम्स में सुविधाएं सामान्य हो रही हैं और इसके लिए जिम्मेदार चीन की हकीकत भी दुनिया के सामने आने लगी है। वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।